today the topic i am going to discuss is sports injury so first start with the concept of sports injury sports injury is a common phenomena in the field of games and sports during practice training or competition any player can injure we can see that there is no player who has not been injured during his sports career. every day, millions of people of all ages in the world participate in games and sports, from soccer field to kabaddi court. it calls playing, but sports activity are more than playing. participation in sports activity improve physical fitness, coordination, and self-discipline and give individual a valuable opportunity to learn teamwork the coach trainer make their best effort to prevent sports injury but they have not been completely successful so far the main concern from sports coach and trainer is to prevent sports injury पर्सन फ्रॉम इंजरी इफ द प्लेयर यूज प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रॉपर कंडीशनिंग प्लेइंग एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन वार्म अप बिफोर ट्रेनिंग एंड कंपटिशन कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी जैसा हम सभी जानते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इंजरी एक कॉमन फेनोमेना है हर एक प्लेयर अपने स्पोर्ट्स कैरियर में कभी ना कभी इंजर्ड होता है चाहे वो कितना भी फिट हो चाहे वो कितना भी एफिशिएंट हो प्लेइंग में लेकिन इंजरी एक पर्सन को फेस करनी पड़ती है इंजरी से बचना हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है इंजरी होने के बाद परफॉर्मेंस में काफ़ी गिरावट देखी जाती है एक पर्सन की परफॉर्मेंस डाउन होती है इससे बचने के लिए भी कई तरीके हैं जिससे हम जिससे हम स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन मेनली इसको हम दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं फर्स्ट इज़ एक्यूट इंजरी And second is overuse injury. Acute injury are caused by an unexpected shock. Common acute injury among young sports person include sprain or incomplete or absolute tear of ligaments, strain, partial or complete tear of a muscle or tendons. Overuse injury. In overuse injury, not all injuries are sourced by a single sudden twist, fall, a calisthenio. A sequence of small injuries to undeveloped bodies can cause minor fracture, minimum muscle tear, or progressive bone deformities, which are known as overuse injury. एज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूज इंजरी लिटिल लीग एल्बो इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ कॉमन ओवर यूज इंजरी इन यंग थ्रोवर्स इन्वॉल्विंग इन मैनी स्पोर्ट्स अगर हम एग्जाम्पल इसमें देखें तो जेबलिंग थ्रो क्रिकेट बॉल थ्रो जब हम किसी बॉडी पार्ट्स को बार बार रिपीटिडली यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अगर किसी तरह से ट्विस्ट होता है सडन ट्विस्ट होता है या स्ट्रेन होता है तो इसकी वजह से ओवर यूज़ इंजरी एक पर्सन को फेस करनी पड़ती है तो इनको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड हमने किया अभी हम इनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे देर आर थ्री टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स फर्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी सेकेंड इज बोन इंजरी एंड थर्ड इज ज्वाइंट इंजरी इंजरी इनके नेचर के अकॉर्डिंग हमने तीन तरह से इसको डिवाइड किया सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोन इंजरी और ज्वाइंट इंजरी में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के क्लासिफ़िकेशन कंटीजन स्टेन स्प्रेन एब्रेजन ब्रूज लेसरेशन इन सभी इंजरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चनस आते हैं तो आप हर एक इंजरी के प्रिवेंशन उसके मैनेजमेंट उसके कॉज के बारे में ज़रूर पढ़िए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे थैंक यू